नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और बड़ी खबर आ रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण अयोध्या नगरी से बड़ी खबर। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण। दोपहर 12:20 होगी प्राण प्रतिष्ठा। ये मुहूर्त जो है वो यहां पर निकाला गया। अयोध्या में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वीवीआईपी मूवमेंट्स और पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर पूरी तरह से सज कर तैयार है। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। यहां पर कल से ही आपको बता दें, पूरी अयोध्या में जिस तरीके से सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कल से ही वहां पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं तैयारियां जो हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी, पूरी अपडेट जनता टीवी पर आज आपको हम देते रहेंगे और तस्वीरें भी एक एक कर दिखाते रहेंगे किस तरीके से आज राम मंदिर की ये तस्वीरें जो हैं वो और भी ज्यादा भव्य और भी ज्यादा मनोरम जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। पिछले कई दिनों से जो अनुष्ठान लाइव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल जी अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वरुण जी, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, युगों युगों से इंतजार था, और वो दिन आज आ गया, प्राण प्रतिष्ठा का दिन। रामलला विराजमान आज हो जाएंगे और राम मंदिर की किस तरीके की भव्यता आज वर्णन होती दिख रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा समाप्त होती दिख रही है। अयोध्या के भाग्य में प्रतीक्षाएं थी, पहले भगवान राम का वनगमन हुआ तब उसने प्रतीक्षा की और एक बार फिर अब जो एक लंबी प्रतीक्षा थी 495 वर्ष की वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। अयोध्या सज गई है, अयोध्या में राम धुन सुनाई दे रही है, अयोध्या में उल्लास है, अयोध्या में आनंद है। अयोध्या में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है, लेकिन शीतलहर के ऊपर सिर्फ राम लहर दिखाई दे रही है। अंजलि, भाव कुछ इस तरीके के हैं कि वो जो एक 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 भजन की लाइनें हैं कि आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कमल रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। बिल्कुल वैसा, घर घर में बंधनवार लगी हुई है, द्वार द्वार सजा हुआ है। और ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, ये देश भर की बात है। ऐसा राममय माहौल, ऐसा उत्सव, ऐसा आनंद, लोगों की आंखें बरबस भीग जाती हैं, छलक जाती हैं। राम धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं और बड़ी शांति से, बड़े सद्भाव से रामलला अपने निज मंदिर में विराजने जा रहे हैं, लेकिन आनंद बहुत है। आज के कार्यक्रम की सबसे पहले बात करते हैं, 10 बजे मंगल ध्वनि का वादन होगा। देश के 50 ऐसे वाद्य यंत्र जो अलग अलग राज्यों के हैं, जो वहां के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाने वाले कलाकार रामलला परिसर में उस मंगल ध्वनि का वादन करेंगे। एक मंगल ध्वनि से मंगलमय वातावरण बनेगा। 10:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, वहां से वो हेलीपैड तक आएंगे। फिर उसके बाद 11 से 12 बजे एक घंटे का समय बताया गया है जब वो निरीक्षण करेंगे मंदिर का। ये एक समय रिजर्व रखा गया है जब बताया गया कि वो मंदिर का निरीक्षण करेंगे। ठीक 12:30 बजे वो जो 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है, आज पोष मास की द्वादशी है, आज के दिन उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भगवान रामलला विराजमान, उनके आंखों की पट्टी खोली जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी जो सोने की सिलाई है उससे भगवान को काजल लगाएंगे और उनको शीशा दिखाएंगे। इसके साथ ही ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास और संघ प्रमुख, उनका संबोधन होगा जी। उसके बाद प्रधानमंत्री कुबेर टीला पे जाकर दर्शन करेंगे। कुबेर टीले का अयोध्या में अपना एक महत्व है, कुबेर टीले पे गरुड़ को भी स्थापित किया गया है। उसके बाद जितने वीवीआईपी देश भर से आए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वो दर्शन करेंगे। देर शाम रात तक ये सिलसिला चल सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आ चुकी हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कंगना रनौत, विवेक ओबेरॉय, मधुर भंडारकर, यहाँ लोग ही लोग हैं।
विराट कोहली, वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, हर फील्ड के वो लोग जो निमंत्रित हैं वो पहुंचे हुए हैं अयोध्या। पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान राम के स्वागत को आतुर है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी में प्रभु आ रहे हैं और अयोध्या की जो शोभा है उसका बखान नहीं हो सकता। प्रभु का आगमन दिव्य है, वो वातावरण दिव्य है। अयोध्या में इस वक्त होना अपने आप में ये परम अनुभूति है कि एक ऐसा क्षण, एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जिसकी प्रतीक्षा ना जाने कितने लोगों ने की, कितने लोग बलिदान हुए और उनकी प्रतीक्षा, और कितने ही लोग इस दिन को देखने के लिए इंतजार करते रहे, उनके जीवन में ऐसा मौका नहीं आया। इस प्रतीक्षा करते करते वो इस लोक से चले गए, लेकिन जी ये अवसर आज आया है और ऐसे अवसर पर यहाँ होना ही अंजलि अपने आप में एक परम अनुभूति है कि ये जो कुछ है, क्योंकि राम मर्यादा के प्रतीक हैं, राम आनंद के प्रतीक हैं, राम उल्लास के प्रतीक हैं, राम आध्यात्म के प्रतीक हैं, राम आदर्श के प्रतीक हैं। राम का आना अयोध्या में, वो आगमन, वो प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में सबको एक सूत्र में बांधे, इस तरह का भाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आज के दिन का वर्णन यहाँ पर हो रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वरुण जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था का घेरा जो है वो काफी सख्त यहाँ पर रखा गया है। अब हालांकि जैसा पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, भीड़ किसी तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए किस तरीके से सुबह से पूरी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था की? देखिए, अयोध्या में 6 लेयर सिक्योरिटी है। 6 लेयर सिक्योरिटी अपने आप में ये बताने के काफी है कि किसने की व्यवस्था की गई है। एक चीज मैं कहूंगा, वो सुरक्षा से इतर है जी। अयोध्या वासियों से अपील की गई थी कि वो अपने अपने घरों में रहें, वो मेजबान हैं, वो मेहमानों का स्वागत करें, लेकिन इस दिन को देखने की प्रतीक्षा उन्हें भी थी। देर रात 1 बजे तक भी हमने अयोध्या वासियों को सड़कों पर घूमते हुए देखा, उस सजावट को निहारते हुए देखा, उस सजी सवरी बदली हुई अयोध्या को देखते हुए हमने उनको देखा, पुनर्वैभव की ओर लौटे अयोध्या की ओर उनको देखा हमने। अयोध्या वासियों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। भले ही प्रशासन ने अपील की थी, लेकिन मनोभाव ऐसे कि अपने आप को घर में रोक पाना मुश्किल था। अयोध्या वासियों को हमने देर रात तक सड़कों पर घूमते हुए देखा है, वो एक विषय है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर VVIP आए हैं, इतने बड़े पैमाने पर अतिथि यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति और देश की जो जानी मानी हस्तियां हैं उन सब का यहाँ पर होना, उस लिहाज से बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि सब कुछ हो रहा है और कुछ कुछ तो स्वचालित ऑटोमेटिक मोड में भी हो रहा है राम जी की कृपा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी हैं। तो व्यवस्थाओं के लिहाज से हम भी देख रहे हैं। अब अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो बाहर छोटे छोटे मंच लगाए गए हैं, हमने भी कल मंच पर उनको कवर किया था, वो मंच लगाए गए हैं, वहां पर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य गान हो रहा है, आगमन है। वो 84 सेकंड का जो अभिजीत मुहूर्त चुना गया है, ये वो अभिजीत मुहूर्त है कि इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म भी हुआ था, उसी मुहूर्त को चुना गया है जो 12:29 के बाद शुरू होगा। उस 84 सेकंड के मुहूर्त के अपने मायने हैं, जिसे इतनी रिसर्च के बाद जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं उन्होंने चुना है और फिर ये अवसर आया है। हम लोग जो है वो हम मीडिया सेंटर में मौजूद है, क्योंकि जो पत्रकार हैं उनको अलग अलग जगह पे के जो उन्हें पास दिए गए हैं उन्हें वहीं रहना है, वो कहीं और जा नहीं सकते हैं। कुछ राम की पैड़ी पे हैं, कुछ मीडिया सेंटर में हैं, क्योंकि इस तरीके इससे पता लगता है कि इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं। तो वो इंतजाम जो है वो अयोध्या में दिख रहे हैं। थोड़ी देर में और सख्ती हो जाएगी, सड़कें बिल्कुल खाली कर दी जाएंगी, क्योंकि VVIP का आगमन जो है वो कल ही से होना शुरू हो गया था और पूरे पुख्ता प्रबंध कार्यक्रम को लेकर के कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, और वरुण जी, क्योंकि कल एक तस्वीर जो है वो इसरो की तरफ से जारी की गई थी सैटेलाइट के जरिए राम मंदिर की भव्यता, हालांकि ये तस्वीर जो बताई जा रही है अभी तो कोहरा है तो शायद दोबारा नहीं ली जा सकी, 16 दिसंबर 2023 की है, तो वो तस्वीर जो जारी की गई थी उसमें किस तरीके का उसमें कड़क तस्वीर जो है अयोध्या की देखने को मिल रही थी, बेहद खूबसूरत वो तस्वीर जो है कल इसरो की तरफ से जारी की गई अयोध्या से सैटेलाइट के जरिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अयोध्या का पुनर्वैभव लौटा है। पर अयोध्या में ठीक है कि मंदिर
का एक विवाद रहा था, लेकिन उसके बावजूद अयोध्या एक ऐसी ऐतिहासिक पुरातन नगरी है अंजलि, जिसका वर्णन यहाँ पे विदेशी यात्री आए, फ्रेंच यात्री आए, चीनी यात्री आए, जिन्होंने अपने वर्णन में अयोध्या का उल्लेख किया। गुरु नानक देव जी अयोध्या आए, गौतम बुद्ध जो हैं वो अयोध्या आए, उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है कि लगभग उन्होंने भी 14 से 15 साल अयोध्या में बिताए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो अयोध्या के माने गए। अयोध्या का एक अपना विशिष्ट आकर्षण रहा है, उसके बावजूद अयोध्या जिस तरह भुलाई गई, अयोध्या जिस तरह बिसराई गई, अयोध्या की जो दशा हुई, यहाँ की सड़कें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ राम की पैड़ी, ये सब जो दशाएं थी उसने बहुत सवाल खड़े किए थे कि आखिर राम को इस तरह भुला क्यों दिया गया। एक बात ठीक है कि कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर बना और फिर अयोध्या में बदलाव हुआ, लेकिन आज की जो अयोध्या है वो यकीन मानिए त्रेता युग जैसी अयोध्या लगती है। बाहर निकलिए, सूर्य स्तंभ है उसके दाईं और बाईं और चारों तरफ देखिए तो म्यूरल्स बनाए गए हैं, भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, कलाकृतियां हैं। अयोध्या पूरी बदरी, लंबी लंबी सड़कें हैं, राम की पैड़ी एकदम अद्भुत नजर आती है, सरयू का किनारा पूरा बदल गया है। तो ये सब अयोध्या में पहले भी हो सकता था, पहले भी हो जाना चाहिए था। खैर, जब हुआ तब ये है कि जो भी अयोध्या में प्रवेश करता है वो एकदम अयोध्या के आनंद में खो जाता है, अयोध्या के आकर्षण में खो जाता है। जो कहा गया रमन्ते इति रामः, राम जो रमते हैं वही राम है, और राम तो घट घट में रमे हैं, अयोध्या के तो कण कण में राम है, और वो भाव बिल्कुल विशुद्ध रूप से यहाँ दिखाई देता है। अद्भुत छटा, अद्भुत आनंद है, अद्भुत स्वरूप है, और उस स्वरूप का आनंद लेने के लिए तो हर कोई यहाँ पहुंच रहा है। वो भय प्रकट कृपाला जैसा भाव भी है कि राम जी का जन्म जैसा था वैसा भाव है। दशरथ जी ने कहा था कि भाई मेरे घर भगवान आए, वैसा भाव है राम जी के जन्म पर। और अयोध्या से जब राम जब राम जी लौटे थे वनवास खत्म करके, वो भाव भी है। तमाम भाव मिश्रित हैं, कहीं वात्सल्य भाव है, कहीं अपने राजा की वापसी का भाव है, कहीं अयोध्या के जो प्राण हैं उनके लौटने का भाव है। हर तरीके का भाव यहाँ मिल रहा है, लेकिन राम के मंदिर की प्रतिस्थापना होना, उसकी प्रतिष्ठा होना, उसका बन जाना, ये अयोध्या वासियों के लिए बड़ा दिव्य है। और अयोध्या के साथ साथ जो लोग दुनिया भर में राम को मानने वाले हैं वो क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और देर से सही वो क्षण आया है। बिल्कुल, और देर से सही वो क्षण आया है, और ये चमक, ये रोशनी ऐसे जगमगा रही है, इसे दिवाली नहीं, महादिवाली जो है हर कोई इसे कह रहा है वरुण जी, क्योंकि ये वर्णन जो है हम शायद किताबों में पढ़ा करते थे स्कूलों में कि जब राम जी अयोध्या आए थे तो किस तरीके से अयोध्या सजी थी, और शायद ही किसी ने परिकल्पना की होगी वो क्षण इस पीढ़ी को जो है इसके साक्षी बन रहे हैं उन्हें शायद दोबारा देखने को मिल पाए। देखिए, कहा जाता है भगवान राम अयोध्या लौटे तो दीपोत्सव हुआ, और क्योंकि अंधेरा प्रकाश के आगमन का सूचक भी होता है जी। हम दिवाली मनाते हैं क्योंकि राम लौटे थे, और हम राम को लौटते हुए देख रहे हैं भावनाओं के साथ, हम राम को लौटते हुए देख रहे हैं भरोसे के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तजी सकल आस भरोस गा वही, यानी भगवान पर भरोसा करके उनका भजन करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जो भरोसा होता है अपने ईश्वर के प्रति, या अपने कार्य के प्रति, या अपने जीवन के प्रति, या अपने लक्ष्य के प्रति, उस भरोसे से ये काम चलता है। ईश्वर हमारा भरोसा है कि हमारा ईश्वर है। रामलला सरकार एक ऐसा देवत्व जिन्होंने अपना केस खुद लड़ा अपने नेक्स्ट फ्रेंड, अपने सखा के साथ, ये पहला दुनिया का अनूठा मामला था जिसमें रामलला सरकार ने खुद अपना केस लड़ा। तो हमारा भरोसा है कि वो ठाकुर वहां पर बैठा हुआ है। वृंदावन में, मथुरा में होता क्या है, बांके बिहारी जी के जब दर्शन होते हैं तो रात को उनके पैरों की मालिश की जाती है, पैर दबाए जाते हैं गोसाइयों द्वारा, कि हमारा जो बालक है, बालक ठाकुर है, वो इतने घंटे से खड़ा खड़ा दर्शन देते हुए थक गया। आप सोचिए, इस कल्पना को सोचिए, 5 वर्ष के बालक राम, राम लला ने ऐसी शीत लहर में, ऐसे थपेड़ों में, बारिश में वो टेंट के नीचे रहे हैं। तो लेकिन वो भरोसा था कि कभी तो वो अपने निज महल में पहुंचेंगे। तो वो बालक राम जो हैं, जो 5 वर्ष के बालक राम हैं, रामलला सरकार हैं, वो यहां से निकलकर अपने महल की ओर जा रहे हैं जी। आखिरकार ये हो रहा है जी। ये अपने आप में कह देना काफी है बिल्कुल, कि राम लौट रहे हैं तो निष्प्राण अयोध्या का प्राण लौट रहा है, और ये प्राण लौट रहा है और सज धज कर अयोध्या तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस वर्णन और इस जानकारी के लिए, और आप वहां पर हैं तो आपसे पूरी जानकारी अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे, लेकिन अयोध्या वासियों के दिलों में क्या है सुनिए। चल के आ
चलिए तो आपको सुनाएंगे अयोध्या वासियों के दिलों में क्या है, लेकिन आज गीत से ज्यादा और कुछ नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि भाव जो हैं उनके दिलों से निकलकर अब हर गूंज रहे हैं। आप पूरी अयोध्या को आप देखिए, समझिए और किस तरीके से सवर रही है अयोध्या। विकास तो चलिए ठीक है, विकास तो वक्त की बात है कि विकास हो रहा है, लेकिन एक राम राज्य का वर्णन जो हर किताबों में पहले होता था, आखिरकार वो अपने सामने होता देखना, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है जो आज हर देशवासी, हर राम भक्त, हर वो संत, साधु संत जो कि जिन्होंने संघर्ष किया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं, तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं, और पूरी तस्वीरें राम मंदिर की एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो फिलहाल अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, और फिलहाल अभी एक एक कर तस्वीरें जो है वो भी सामने यहां पर आने लग रही है। चलिए अब हमारे संवाददाता अनुप की रिपोर्ट आप देखिए। आज 22 जनवरी है, उस पल का इंतजार जो लोग कर रहे थे 550 साल से, वो समय पूरा हो चुका है। कुछ घंटों का समय है जब भगवान राम अपने नए घर में विराजमान हो जाएंगे। सुबह होते ही अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लोग नृत्य किए जा रहे हैं और खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आईबी, एनएसजी, तमाम जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। पल पल पर सुरक्षा का डेरा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये राम पथ कहलाता है और यहाँ से राम मंदिर तक ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे, ऐसे ही सुरक्षा बल और ऐसे ही नृत्य करते आपको लोग दिख जाएंगे, क्योंकि आज उत्सव है, पूरे विश्व का आस्था का केंद्र अयोध्या जिस तरीके से सज गया है, समर गया है, आशीष से कहेंगे। एक और तस्वीर दिखाएं, ये कहा जाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये पूरी गलियां सज चुकी हैं अयोध्या की। उस पल का इंतजार लोग कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे मंदिर, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होगा। हालांकि मोदी के कार्यक्रम में थोड़ा तब्दीली की गई है, पहले इसी रास्ते से जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि राम भक्तों की संख्या अयोध्या में अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से अयोध्या एयरपोर्ट यानी वाल्मीकि एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर प्रांगण में हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचेंगे। कपिल आशीष के साथ जनता टीवी अयोध्या। तो राम नाम के साथ सज गया है पूरी अयोध्या और देख रही है पूरी दुनिया की आज राम आ रहे हैं अयोध्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जनता टीवी पर लगातार पूरी अपडेट अयोध्या से आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। मेरी जुड़ी की माना।